वेलकम बैक। तो जितना हो सके जल्द से जल्द घर जाने की कोशिश करेंगे। इसकी पछाड़ बहुत ज़्यादा। देन उसके अलावा अनदर थिंग इज़ के भाई ब्लॉग अपलोड करा था लेकिन ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। एंड सेकेंडरी बात और एक बात तो ये रहेगी कि भाई एयरपोर्ट वापस आ गए जो लोगों ने बनाने के लिए दिए थे, ठीक है। देन आफ्टर उसके बाद और एक चीज मतलब और एक केस जो हो गया था वो हो गया था अपने उसको लेके अपने फिंडरला को लेके आरुण भाई को लेके, जो कि बहुत ब्लॉग से ज़्यादा बंदे नहीं कर रहे हैं एंड आई वाज जस्ट क्वाइट बिजी कहते हैं एडिक्शन है तो कुछ पाने के लिए तो ऑब्वियसली कुछ होना तो पड़ेगा आपको के अगर आपको साथ में करना है तो फिर ठीक है। हम भी जाते हैं हमारे जिम में क्योंकि हमारा जिम होता है हमारे एडिक्शन। तो अभी जो मतलब अब जो ब्लॉग आने वाला है लाइक अपने जा रहे हैं सुजुकी बीस रॉम की ट्रिप लेने, मतलब शिक्षा कर सकते हैं हम लोग क्या वर्थ ऑफ बाइंग है या नहीं ये सब देखने के लिए नाउ वी आर गोइंग टू अनदर लेवल और वहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ से जाके देखेंगे कि हमें करना क्या है। मॉडिफाइड कॉलेज विद अ पेंट ऑफ रेड अच्छी डिग्री है, नॉट बैड इन बींग सब अलग का भी आ रहा है। तो बारिश का मौसम और ऊपर से ब्लॉगिंग इट्स नॉट लाइक अ जॉब बाइक लाइक टैंक फुल करवाई थी मैंने। देन उसके बाद इतना फिल गया आए होते कम्प्लीटे 179 किलोमीटर। मुझे गाड़ी का माइलेज चेक करनी है एंड सेकेंड बात आई हैव टू चेक के भाई कितने में चाहे लाइक मैंने टैंक फुल नहीं करवाई थी एक्चुअली। मैंने टैंक फुल की बजाय मैंने पेट्रोल डलवाया था 1100 का, क्योंकि पीछे वाले ब्लॉग में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि भाई पीछे वाले ब्लॉग में ना मैंने ये भी बात बताई थी अच्छी तरीके से कि भाई मैंने जो है सो ये चीज़ को ऊँची नज़र रखते हुए ब्लॉग जो मैं बना रहा हूँ उससे अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो फेस टू फेस आएँ मुझसे बात करें। ये फालतू के कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। अगर कमेंट्स अगर आप करते हैं तो नुकसान बहुत ही बुरी तरीके से आपका, क्योंकि भाई कमेंट से मालूम हो जाता है कि भाई आप किस मेल से मुझे कर रहे हैं, जिसे नहीं के जरिए मेल निकल जाता लेकिन जरिए बहुत ही सामने आ जाती। तो सर प्लीज़ बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं लोकल ही हूँ भाई, लोकल ही ब्लॉगर हूँ मैं, ठीक है। मेरा कोई लाइक बड़ा कोई इतना वो नहीं है कि भाई हाँ मैंने कुछ ऐसा करके ऐसा नहीं किया था एक्चुअली लाइक। उसके अलावा भी मैंने दो तीन जगह से बात की हुई थी ऑलरेडी लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं तो मैंने बिल्कुल कुछ किसी से नहीं कहा था। बट इट वॉज लाइक हाँ उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं तो अगर लाइक हाँ हो भी जाए तो बेटर रहता, वरना उसके अलावा भी मैंने जो चीज़ को लेके उतना ज़्यादा सोचा था करा था ना ब्रो लिटरली मतलब छूट गया एक अच्छे मतलब कि जो ब्लॉग था ना बीस्ट्रॉम वाले ब्लॉग पे मैंने बहुत सारे कोशिश की कि भाई मैं ये चीज़ ना करूं बट अनकॉन्शियसली मुझे वो चीज़ को नज़र में रखना पड़ा था कि भाई मुझे डर हो रहा है कि एयरपोर्ट ना गिर जाए यहाँ तो मैं काम बोलूँ मैंने एयरपोर्ट निकाल लेनी है, ठीक है। एंड एयरपोर्ट मैंने निकाल लिया, एयरपोर्ट निकाल के मैंने रखनी है थे अभी लाइक स्टॉप हियर और रखते हैं हमारे एयरपोर्ट को अंदर बिकॉज अगर ये फिर जाते हैं मतलब गिर जाते हैं तो बचता मेरे पास सिर्फ एक ही तो यहाँ से निकलना है वरना बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है। जब फ़ोन उठाएगा तो ज़रूर हम उसे कॉन्टैक्ट में लेंगे, कॉन्टैक्ट में लेके जब देख लेंगे भाई ये कुछ चीज़ें हो रही है तो उस चीज़ को देखें एंड देख के जो है तो बात को छोटा करने की कोशिश करें कदम करने की कोशिश करें जल्द से जल्द कि लाइक ये भी लाइक एयरपोर्ट सुंदर रखनी है बट नॉट फाइंडिंग बेस्ट प्लेस टू कीप इट इनसाइड। तो यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुक के वी विल कीप आवर साइड यहाँ पे क्योंकि अगर ये बिक जाते हैं ना ब्रो मसला बहुत ही ख़राब हो जाता लाइक माइक की आवाज़ तो आ रही होगी आपको माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 क्योंकि लाइक माइक टेस्टिंग वजह से ना बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी मुझे कि भाई माइक आपको बराबर करो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आई थिंक अभी थोड़ी सी क्लियर आ जाएगी कि मैंने ऑर्डर की हुई है माइक इंशाल्लाह जल्द से जल्द आने की कोशिश में लगा हुआ है वो भी क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर अपना भरोसा बिल्कुल नहीं रहता तो हम
कैश ऑन डिलीवरी करे थे, और कैश ऑन डिलीवरी के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा बहाने बनाते हैं। उसके अल्लाह इतने ज़्यादा बहाने वो लोग बनाते हैं ना, हम लोग तो कभी सोच नहीं, उससे ज़्यादा बहाने वो लोग बनाते हैं। और सेकेंडरी बात, और एक भी बात मैंने मतलब ये चीज़ में गौर की थी कि भाई हाँ, इन लोगों ने पिछली बार भी लाइक की बात की थी मेरे सामने कि हाँ लाइक आप वाले मतलब गलती आपकी है भाई, क्योंकि पिछली बार में मैंने जो मैंने देखी थी वो बात तो भाई मतलब देखा था, एक 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 नगर में रखा था कि इसके अलावा क्या हुआ था लाइक पिछली बार की बात है आई थिंक बिफोर वाली बिफोर लाइक वन मंथ बिफोर कि लाइक एक तरीके का वर्ड से अलग अलग क्यों हो गया था मेरे साथ। मैंने भी लाइक हाँ भाई उसे कह दिया था कि हाँ भाई तू आ जा कस रहने दे, लाइक मैं हॉर्न बजा रहा था एंड वो लाइक वो पीछे लेते ही जा रही थी वो मैडम, वो मैडम को अब हॉर्न आए तो पीछे बोल रहे कि तो हॉर्न देखे मार रहे ना भाई, अब उन्हें मेरी गाड़ी को ला के लगा दी तो पैसे आप देते क्या, वो हम मुझे दैट्स अ वेरी बिग मैटर फॉर मी। और उसके अलावा अभी पेट्रोल था गाड़ी में तो हम बोले कि चलो भाई मौका है तो निकल जाते हैं, निकल जाने में जो मौका है चाहे उसके अलावा किसी और में ये मौका ना मिले तो शायद, मैंने भी ये बात को सोचा था, सोचने के बाद भी के having some party nights with all other guys. कॉफी को उधर देखे हुए हाँ भाई हम भी कुछ डिफरेंट लेवल का कोई काम कर लेते हैं जो कि हमें प्रूफ हो हम दोनों ने मुजाहिद से मिले बट मुजाहिद वॉज नॉट सो रियर एक्चुअली बट जानी है यार ओमन के साइड तो मतलब क्या सोचे हो गए मतलब कि अपन आई एम लोकल ऑफिस मतलब भाई जो भी मतलब एडमिट अगर आप मिलने के आ जाते ना उन लोग मुझे समझते कि भाई ये लाइट है भाई आई एम नॉट अ लाइट पर्सन आई एम ऑल्सो ए लोकल गैंगस्टर लोग गैंगस्टर कह के लोगों ने मेरी इतना ज़्यादा ब्लॉग बना रहे तो तुम्हारा भी काम है यार कुछ शेयर सब्सक्राइब क्या करो भाई इतना कुछ गरीब का फायदा क्या करो तुम लोग के लिए देखो भाई कहाँ कहाँ नहीं पड़ रहा है बारिश में यार आई थिंक वहाँ टामिना बन रहा था शायद मेरे ख्याल से क्योंकि बोले तो ये रीज़न बिहाइंड है कि ऑब्वियसली इन्हें भाई उन्हें तो लेडीज को शॉपिंग करना नहीं चाहिए अगर शॉपिंग भी करती है तो सल्यूट तो बनता है उन लोग को मतलब हम जैसे लोगों को जैसे औरतों को सल्यूट करने का चांस भी मिलता है एंड देन तो भाई बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी तो जे स्किल फाइटिंग फॉर द प्लेस लिटरली मतलब पिछली बार भी उसने मुझे रॉन्ग वे में सेंड की थी एंड आई वाज स्टक अनदर टाइम पर मैंने स्टक हुआ था हाँ भाई टाइम पे चलने का नेपाल ये चैनल का नाम है एमजे आई ब्लॉग एक्चुअली माशाल्लाह क्या है कि आपका चैनल हाँ ब्लॉग है तो क्या करते कि आप फूड ब्लॉगिंग फूड ब्लॉगिंग करते हैं गुड गुड एक्सप्लोर करो नए नए चीज़ों में हैदराबाद में बहुत चीज़ें हैं फूड एक्सप्लोर करने के वास्ते जाओ जाके बस हजार दो हजार खाओ पूरे पूजा ले लो खत्म क्या करना है अपने अपने कंट्री से मतलब एक बार जाना अलग रहे एंगलों में फोटो लेना फिर डाल देना बार बार गए सर का भाई समझ गए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना हल भाई पूरा आ गया भाई विक्के पूरा 150 किलोमीटर हो गए गवार आप आज लेकिन बारिश के तो पूरा बैगन नहीं मिल गया हाँ हैदराबाद का क्यों भाई यहीं तो मिट्टी का
क्या बोले मेरा फ्री काम है, फ्री रहते कि फोन करना, बाइक पे निकल जाना, खत्म। ये रहता आपका कर लो कॉन्टेक्ट, ले दो नंबर, ले तो नंबर लियो, आईडी लेते आईडी लियो, सब लियो, ओके। 9908108457 4597 कॉल ना करो, वीडियो स्टॉप हो जाती है। मेरा नाम जाफर है, एमजेआई ब्लॉग। Got some पूरा बारिश के आज का पूरा प्लान स्टॉप आउट हो गया। हमने तो 5-6 गाड़ियां थे आज कैसा भी, लेकिन बारिश के वजह से उन्हें रुक गया, उन्हें रुक गया। फिर ऊपर से हमारे 2-3 हिंदू दोस्ता भी है, गणेश जी तो अलग रुक गए। ओके, आप कहाँ रहते कि अच्छा वार्कस पे रहते, आप करो, आपको जब भी फ्री टाइम मिला आप कॉल करो। अगर मैं बीती रहा तो इंशाल्लाह आप आ जाओ, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे अपना। ओके, तो टेबल कितने भैया? मैं अब स्टार्ट करा, अब स्टार्ट बोले तो नियरली कुछ 2-3 वीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 30,000 के ऊपर हो गए व्यू सप्ताह का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या है, मैं लॉन्ग कंटेंट नहीं बना रहा, शॉर्ट कंटेंट, ज़्यादा पब्लिक बोर्ड भी नहीं होना, क्योंकि दर्रा दर पर आती आधे आधे घंटे के डालना है, छोड़ना है बड़े बड़े, क्योंकि पब्लिक का अट्रैक्शन है ना भाई, वो भी है अपना। भाई इससे पहले फूड ब्लॉगिंग करता हूँ ना, अभी फूड ब्लॉगिंग ही करता हूँ। हाँ अरे भाई लोकल हो गया भाई, वो देखो दुर्गम चेरु पे क्या है मालूम, लोकेशन अच्छी आती लेकिन अपनी रोड साफ होना बोलता हूँ। वो क्या है खाली एक 2-3 किलोमीटर साफ रोड है बस, खत्म। वही कहता हूँ क्या मालूम, सही कंटे मिलना, सही रोड मिलना, क्या है 3-4 कनेडा मिल जाते, बर्सेस मिल जाता, 0-200 मिल जाता, वैसा रहता। ओके भाई मैं भी राइट नहीं कर रहा, ओके आई थिंक सो के मुझे यहाँ पे स्टॉप करने, बिकॉज द व्लॉग हैज टू बी स्टॉप। बात का हुआ था बोले तो एक्चुअली आई हैव टू गिव द परफेक्ट शॉट, कि लाइक शॉट के अलावा आई हैव सीन वन थिंग, के भाई जिसने भी चाहा ना उसे भाई कसम लीला वो हम पलटा के चाहता हूँ। इट वॉज लाइक ट्रिप कैंसिल हुई, ठीक है, and I got the new friend, second thing, आदर्श भी नहीं आ सका, ठीक है, और अपना देव नहीं आ सका बिकॉज ऑफ दे एंड द फेस्टिवल ऑफ द गणेश, इसके लिए वो लोग आ नहीं सके एंड प्लान पूरा हो चुका है ड्रॉप। एंड नाउ मैं पूरी तरीके से बिक चुका हूँ भाई, देर इज नो चांसेस फॉर बिकमिंग ड्राई हियर, क्योंकि लाइक ना मैंने जितने भी लाइक मेरे वीडियोज जितने भी लाइक किया था, तो जितने भी लोगों ने किया था कमेंट के भाई आप ये वीडियो में ये गलती कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में शायद आप लोगों को वो गलती नहीं मिली होगी, बिकॉज देखो भाई हर इंसान गलती से सीखता, ठीक है। एंड मेरा ये मानना है कि भाई अगर इंसान गलती करे तो उसका भी काम है कि वो आगे वाले को बोले कि भाई कि मुझे ये बोलो कि भाई मैंने ये गलती कर रहा हूँ, कि भाई मुझे भी तो मालूम हो कि भाई कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे मतलब जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग को भी पता चले कि भाई हाँ मैं जाफर यहाँ गलती कर रहा, और आप लोग बोल सकते हो
है फ्रेंकली से कि जाफर आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, तू यहाँ पे गलती कर रहा, तू इसको रिकरेक्ट कर ले, देन यू विल बी फाइन, यू विल बी गुड। देन से कि भाई ओके, जो कोई देखो भाई हर कोई भी जितना भी बड़ा है ना, वो कोई अपने आप नहीं दिखता है। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होती है भाई लिटरली, मतलब बारिश के टाइम ब्लॉगिंग करना, देन उसके बाद वापस आना। व्हाट्सअप ब्रदर, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। तो मतलब मुश्किल हो जाती कभी कभी के भाई, क्योंकि लाइक देखो भाई गणेश के गए थे, उसने प्लान ड्रॉप किया, सेकेंडरी बात उसने सेकेंड ग्रुप में ड्रॉप किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, इस चीज़ को माना, मान के भी जो सामने एम जी आई ब्लॉग आई ब्लॉग हाँ आती ना भाई, एडिटिंग के ऊपर डिपेंड है टाइम। तीन चार ब्लॉग पड़े हुए क्योंकि मैं तीन चार दिन से निकले हुआ हूँ, ट्रिप पे हूँ मैं, आज आया वापस, ऐसा हुआ हूँ इसलिए पूरे भिगे हुआ हूँ मैं। एम जे आई ब्लॉग तो और लाइक के भाई अब मानना है मेनु चालन आपने तब से मैं नीला बोल रहा हूँ मार बढ़ा जाऊँगी लाइक, इसलिए मैंने बाद पूरे भी वीडियो बनाया। एंड वन एक दिन एक ने कहा कि भाई ब्रिज नहीं तुम अदा करे था कि किसी ने कंप्लेन की थी, तो मतलब डिश में निकाल नहीं रहे, किसी ने कंप्लेन की थी ओके गो ब्रदर। एंड ये कंप्लेन की वजह से ना मेरी लग गए थे भाई मेरे लग गए थे कदम से। एंड लगना मतलब मुझे कहा थिंक वॉज दैट वॉचिंग मी लाइक हाँ रहा नहीं जा। बारिश में ए बी एस का मजा भी हो, लेकिन टर्निंग में ले तो ऐसे टर्निंग लो अभी यार, हाँ टर्निंग लेनी है तो ये टर्निंग लो के भाई दुनिया देखे लाइक लिटरली, मतलब ये गिवे मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम कि भाई मैंने आपके साथ राइड करनी है, तो इंशाल्लाह हम साथ में राइड करेंगे, आई विल गिव यू द टिप्स ऑफ राइडिंग, साथ ही ब्लॉगिंग करेंगे, लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। एंड ये चीज़ सही नहीं है, लोग को मैं उठाते छोड़ देते, तो ही वॉज माई क्लोज वन, जिसने मतलब उन्होंने ये बात की थी कि ही वॉज माई क्लोज वन, ही सेड के देखो लोग तुम्हारा उचकाते हैं, तुम उचक जा रही, लॉग को देख के कैमरे को देख के तुम्हारे करीब आ रही, उन लोगों के जाल में नक्को फंसो तुम, उन लोग आशिश करते, मतलब देखो भाई इज अ क्लोज वन और उनका ये राइट है कहने का कि ही कैन से इट, बट द थिंग इज बट ही डिड नॉट न्यू अबाउट दिस के भाई what is the actual life of vlogging, what is the actual mean of vlogging, if he knows the actual meaning of vlogging na to pakka ne pakka he will surely he will not demotivate me, surely he will encourage me, but in the right way he most probably don't know ke how the vlogging platform, how the youtube platform may take you the height aur tumhe kahan se kahan pahuncha deta hai yaar literally, matlab it's like अमेजिंग, मतलब पिछली बार का भी मैंने देखा था कि भाई हाँ ऐसा कुछ कहा भी तो था, बट द थिंग इज एक्चुअली ही केम बैक टू द पेवेलियन। जो अले ब्लॉग में जो मैंने ना लाइक पेमेंट भी पूरा कर दिया था वसी भैया को, जो मतलब जिसका टॉपअप वगैरह किया था इंजन में, तो कुछ बाकी नहीं है, बस एक तो होम में जाते हैं, स्टोरेज फुल हो गया, वीडियो स्टॉप हो गई, आई थिंक चार्जिंग भी कैमरे में बहुत लो है, तो कैमरे उन्होंने मैंने कैमरे को चार्ज नहीं किया था, एंड कैमरा मेरे ख्याल से ओहो इंडिकेट कर रहा है कि चार्जिंग इज लो, मैंने पता नहीं लाइक एक दो तीन दिन पहले चार्ज किया था कैमरे को, एंड नाउ आई थिंक कभी भी ये वीडियो स्टॉप हो जाएगी, एंड तो वीडियो स्टॉप होने से पहले आई सेड के भाई गुड बाय एंड हैव ए ग्रेट डे, बारिश हो रही है बाहर ना निकले बारिश में, ऐसे भी ये ब्लॉग जो है तो एक पाँच दिन का एक हफ्ते के बाद एडिटिंग करना अपनी जान के हो जाता, वो पहले एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, उसके अलावा पढ़ना भी है, यू नो जिस फर्स्ट ईयर में जो वॉइस आ रही है ना इट वॉज ए वेरी डिफरेंट वाली वॉइस आ रही है, बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम कि भाई एक्चुअल प्रॉब्लम उसमें है क्या, बट आई विल ट्राई टू मैनेज